राधे राधे मित्रों, पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है और श्रीहरि के पूजन का बहुत ही विशिष्ट समय होता है पुत्रदा एकादशी का। दोस्तों, पुत्रदा एकादशी जहां एक ओर निसंतान दंपतियों को संतान प्राप्ति का माध्यम देती है, जो निसंतान दंपति है वो इस दिन का व्रत अगर विधि विधान पूर्वक रखें तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे विशिष्ट उपाय हैं जो अगर पुत्रदा एकादशी के दिन हम करते हैं तो श्रीहरि की कृपा हम पर बनती है और साथ ही साथ माँ लक्ष्मी की भी प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है। दोस्तों, कई सारे बहुत सरल से उपाय हैं इस दिन करने लायक। एकादशी के दिन सात कन्याओं को आप घर पे बुला करके खीर खिलाइए और लगातार पांच एकादशी तक ये काम कीजिए। ऐसा करने से आपको आपके व्यवसाय में तरक्की मिलेगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें प्रमोशन के योग भी बनते हैं। इसके अलावा एकादशी के दिन से शुरू करके लगातार 27 दिन तक अगर आप किसी कृष्ण मंदिर में नारियल या बादाम चढ़ाएं तो ऐसा माना जाता है कि उससे आपकी जो भी इच्छा है वो पूरी होती है। इसके अलावा एकादशी की सुबह अगर आप किसी राधा कृष्ण मंदिर में जाकर के भगवान के दर्शन करें और पीले फूलों की माला उन्हें अर्पित करें तो इससे आपकी जो भी परेशानियां हैं वो कम होती हैं। दोस्तों, इसके अलावा इस दिन यानी एकादशी के दिन सुख समृद्धि के लिए पीला चंदन और केसर में गुलाब जल मिलाकर के माथे पर टीका या बिंदी लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। और इस दिन से शुरू करके आप अगर दैनिक रूप से ये कार्य करते हैं, टीका लगाते हैं, तो निश्चय ही आपको सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त एकादशी के दिन हमें दक्षिणावर्ती शंख में कच्चा दूध और केसर डाल करके श्रीहरि का अभिषेक जरूर करना चाहिए। ये एक अचूक उपाय माना जाता है माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। इसके अतिरिक्त एकादशी की शाम को पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाने और शुद्ध घी का दीपक लगाने से समस्याओं का समाधान होता है। इसके अलावा श्रीहरि के मंदिर में जाकर के एकादशी के दिन कोई भी अनाज आप अर्पित कीजिए और बाद में इसे गरीबों को दान कर दीजिए। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति बनी रहती है। ये सामान्य उपाय जो हमें अपनी जीवन की समस्याओं से मुक्ति दिलाते हैं। इसके अलावा हम आज आपके लिए यहाँ पे एक बहुत सरल सा उपाय लेकर के आए हैं जो अगर एकादशी के दिन आप करते हैं तो निश्चित तौर पर धन प्राप्ति के योग आपके जीवन में बनेंगे। इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको एक साबुत पान का पत्ता लेना है और इस साबुत पान के पत्ते को पहले श्रीहरि को चढ़ाना है। इसके पश्चात इसमें कुमकुम से श्रीम लिख करके इसे अपनी तिजोरी में यानी जहां पर भी आप धन रखते हैं वहां पर रख दीजिए। ऐसा करने से आपके जीवन में धन प्राप्ति के योग बनते हैं और माँ लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। तो पौष पुत्रदा एकादशी के दिन जरूर कीजिए, बहुत आसान सा उपाय माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए। दोस्तों, अब हम देखते हैं कि पौष पुत्रदा एकादशी के पारण का समय क्या है। दोस्तों, पौष पुत्रदा एकादशी पड़ रही है 17 जनवरी 2019 को और इसके एकादशी तिथि के समाप्त होने का समय 17 जनवरी 2019 को रात को 10:34 का है। एकादशी के पारण का समय 18 जनवरी 2019 को सुबह 7:14 से 9:23 तक का है। तो पारण के समय का जरूर ध्यान रखिए। हम आशा करते हैं ये जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। नमो नारायण।